हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं फूलचंद मौर्या अपनी यूट्यूब चैनल मौर्या टू रिपेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे सामने सिटी 100 बाइक, जो बजाज की बाइक है। इसमें फ्रेंड क्या हुआ है कि इसका स्पीड मीटर नहीं चल रहा है। इसको मैंने नीचे से देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से खोल के मैंने इसका पूरा मीटर इसको देखने जा रहा हूं कि खोल के कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके तसल्ली के लिए मैं दिखा दूं, नहीं तो आप लोग भाई कमेंट करेंगे कि इसका केबल नहीं सही होगा। तो मैं इसको देखिए, मैं गाड़ी को ऐसे करके करता हूं। चलो भाई चेक कर जाओ, मैं दिखाता हूं। देखिए अभी इधर से देखिए किस तरह से ये हमारा केबल घूम रहा है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे फिट करता हूँ, उसके बाद में मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ। उसको टाइट करने के बाद में मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं घुमाओ भाई, वहाँ से देखिए लड़का ने चक्का को घुमाया है। देखिए ये चक्का तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रा से भी कहीं भी मीटर नहीं ये हिल रहा है। तो मैं इसको खोल के देखता हूँ। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ से दो बोल्ट यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे दिया था। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था, उसको मैंने खोला जो नीचे ये भी लगा था, तो इससे ये हमारा ये बाहर आ गया। ये देखिए इसका ये कॉल है जो ये बाहर आ गया है, और उसके बाद मीटर को भी मैं खोल ले रहा हूँ फ्रेंड। और इसको खोलने के लिए आप चाहे हेडलाइट को पहले खोलना पड़ेगा आपको। लाइट को खोल लिया है पूरा हमने, देखिए इसमें तार भी लगा हुआ है, नहीं तो बहुत से भाई अलग अलग तरह से कमेंट करते थे कि कई बार हम हो जाता है कि ये कहते हैं भाई कि आपने गलत किया है, आपने बताया नहीं सही। तो चलिए मैं इसको करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तीनों स्क्रू है। यहाँ पे मैं दो को निकाल लिया हूँ, तीसरा को भी मैं निकाल रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ। देखिए इस तरह से खोलूँगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा। इससे ये हमारा जो है ये बाहर निकल जाएगा। इसको मैं इस सॉकेट को देखिए मैं इसके बीच से करके बाहर निकालता हूँ। इसको मैं साइड में रखता हूँ, और उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे 3 8 नंबर के यहाँ पे 8 mm के जो है गोटी से हमें इसको खोलना होगा। इसको हम मैं खोल के बाहर निकालता हूँ। उसके बाद में मैं इस इधर भी देखिए यहाँ पे भी स्क्रू दिया हुआ है और यहाँ पे भी स्क्रू दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप मैं दोनों स्क्रू को खोलूँगा, इससे बाहर होगा ये। देखिए मैंने इन सभी बोल्ट को ढीला कर लिया है। इसको मैं आसानी से खोलता हूँ। इसको खोल के मैं साइड में रखता हूँ, और यहाँ पर भी है एक बोल्ट, इसको भी करूँगा, और यहाँ पे भी है। इन तीनों बोल्ट को खोल के आसानी से हमें बाहर कर लेना है। जो इजीली आपके पास टी हो तो टी से, या तो फिर आप के पास जो भी रिंच या है या पाना है उसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ इसको मैं दोनों को खोलता हूँ। इन दोनों स्क्रू को हमें पूरा खोल लेना है। इसको मैं देखिए आसानी से खोल ले रहा हूँ, और इसको भी मैं ढीला करके खोल लेता हूँ। खोल के देखिए यहाँ पे कंपनी द्वारा यहाँ पे इस पर स्क्रू यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। तो चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ ऐसे करके। थोड़ा सा पकड़ो भाई, भाई को कह रहे हैं कि भाई साइड से पकड़ें। इसको मैं इजली बाहर की तरफ पुश करूँगा, ये निकल जाएगा क्योंकि इसमें भी था। देखिए ये हमारा कंप्लीट बाहर आ गया है। ये बाहर आने के बाद में हमें इन दो इसको और इधर साइड को दोनों को खोलना है, और उसके बाद में देखेंगे कि इसकी गरारी वगैरह में कोई कमी है या और भी कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसको दोनों को खोल लेता हूँ। भाई पकड़ो इसको। तो भाई देखिए मैं इसको डाइवर्ट से आसानी से खोलूँगा, इसको जो ईजिली फोरहेड इसको डाइवर्ट से के मदद से ये खुल जाएगा। देखिए
इस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो चलिए इसको करके मैं बाहर निकालता हूँ। तो नीचे से मैं ऐसे करके इसको कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसको देखता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस गरारी में प्रॉब्लम है। मैं इसको पेचकस की मदद से इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे करता हूँ तो थोड़ा बहुत ये घूमता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका जो तीत है, ये मीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं हिल रहा है। तो इससे प्रॉब्लम यहाँ हमारा यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे ये जो है ये गरारी यहाँ से कटी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी इससे पहले हमें लगता है कि किसी ने छेड़ा है। तो हमें हमारे यहाँ पे मीटर रिपेयर की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना होगा। देखिए किस तरह से प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं कस्टमर से बात करता हूँ, देखता हूँ कि क्या करना है। अगर बोलेंगे तो न्यू डालेंगे तो उसका भी दिखाएंगे हम, और नहीं तो मैं इसको असेंबल कर दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं पहले कस्टमर से बात करता हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली हमने कस्टमर से बात किया है। तो कस्टमर का कहना है कि अभी इसको चेंज करना है तो कम से कम 500 रुपये का इसमें खर्च आने वाला है। तो कस्टमर का कहना है कि अभी इसको रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम करवा लूँगा या कहीं पे जाऊँगा तो रिपेयर होता है तो वहाँ पे मैं करवा लूँगा। तो इसको मैं असेंबल करता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से। अगर आपको दोबारा कभी खोलें आप नए भाई, तो इसको किस तरह से आपको फिटिंग करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, या यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आ जाएगा ये। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे फंसाना है, इसको यहाँ पे फिट करके, और एक यहाँ पे भी इसको करके स्क्रू ड्राइवर से मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद में इसको लेके हमें इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे रखना है, और एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू यहाँ पे है जो मैं इसको फिट करूँगा। तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे दोनों को फंसा दिया है, और इसको पूरा टाइट करना है। तो चलिए मैं इसको टाइट करके गाइस फिर दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। उसको करने के बाद में देखिए, इसको हमें इस स्टैंड को लगाना है। इस स्टैंड को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तीन घाट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा छोटा स्क्रू भी वाइसर है, इसको भी लगाना है तीनों को। और उसके बाद में 8mm का जो बोल्ट है इसको भी फंसा देना है यहाँ पे। इसको फंसा के उसके बाद में आपके पास जो भी सुविधा हो, जिस रेंज से आप कर रहे हैं उससे फिर टाइट कर दीजिए। देखिए मैं इसे फंसाता हूँ, इसमें एक समान है तीनों, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। इसको आप ध्यान देंगे तो एक समान रहेगा, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो इसको मैंने टाइट कर दिया है, उसके बाद में इस कवर को हमें लगाना है। देखिए मैं ऐसे करके लगाता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे करके डालना है इसके बीच से हमें, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे बिठा देना है। ये आसानी से बैठ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में तीन स्क्रू, एक समान स्क्रू ये भी है इसमें, तो इसको फंसा के उसके बाद में अच्छे से टाइट कर देना है, उसके बाद में गाड़ी में लगा देना है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में मैं गाड़ी में असेंबल करता हूँ, उसका मैं नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि उसका पूरा दिखाने के लिए हमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो बोरिंग होने लगता है। तो फ्रेंड मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।